वेंटिलेटर्स के हवाले से हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो जून के आखिर तक 2000 वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुख्तलिफ ममालिक से वेंटिलेटर्स मंगवाए जा रहे हैं। एनडीएमए ने 1310 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया हुआ है। अगर वो 10,000 से ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे आ जाते हैं जो हम कैपेसिटी बना रहे हैं, तो फिर हमें सीरियस सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। तो फिर जाहिर है एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरह एक उस पर मीटिंग होगी। वज़ीर इत्तला'आत नासिर हुसैन शाह एक बार फिर लॉकडाउन का इंदिया देने लगे। कहते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आती या कोई हल नहीं निकलता, नया तर्ज ज़िंदगी अपनाना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में कर्फ्यू लगने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, अवाम गुमराहकुन खबरों पर कान न धरें। और सितारा इम्तियाज, धात के सिवा कुछ नहीं, मारूफ अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, हमेशा हुकूमतों के बजाय अवाम का साथ दिया, कभी मियाँ साहब, खान साहब या बीबी जिंदाबाद नहीं कहा। अमजद इस्लाम अमजद से क्या मुकाबला, अताउल हक कासमी तो लतीफे सुनाते हैं। अशफाक अहमद बेहतरीन ड्रामा निगार हैं।